Hello guys, welcome to my channel Gita's Biology. Today topic binomial nomenclature. जोथरे कि आम क्लास 11 रो ब्यूरो बुक रीडिंग करछंदी. चैप्टर 1 दैट इज डाइवर्सिटी. तो लेट्स स्टार्ट अवर सेक्शन दैट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. एज पर द फ्रेम्ड गाइडलाइन A scientific name given to an organism consists of two distinct parts. तो गाइडलाइन अनुसार कौन कहूँ ना नॉर्मली नोमेनक्लेचर जो देखा दैट इज नामकरण कौन सी गोटे प्लांट्स रो वर्ल्ड वाइड नामकरण कर तो जो थे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन प्लांट्स भी कहींपर आनिमल्स भी तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन कहूँ टू डिस्टिंक्ट पार्ट डिवाइड होती कौटा ना ऑर्गेनिज्म रो नोमेनक्लेचर. नॉर्मली नोमेनक्लेचर ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर अच्छी देन पॉलीनोमियल नोमेनक्लेचर अच्छी देन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अच्छी बट मोस्ट एक्सेप्टेड दैट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. पॉलीनोमियल नोमेनक्लेचर रे नॉर्मली मोर देन टू वर्ड्स रे साइंटिफिक नेम कौन सी ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करा जाए. ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर रे नॉर्मली थ्री वर्ड रे रिप्रेजेंट करा जाए गोटे साइंटिफिक नेम को. तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रे सेमती टू वर्ड रे रिप्रेजेंट करा जाए. द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड जीनस और जेनेरिक नेम व्हाइल द सेकेंड पार्ट इज द स्पेसिस और स्पेसिफिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट. नॉर्मली दुईटा पार्ट अच्छी वन इज जीनस नेम अनदर इज स्पेसिस नेम. दिस सिस्टम असाइनिंग नेम्स विथ टू पार्ट जेहेतु दुईटा पार्ट रे डिवाइड होती दैट इज नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर व्हिच वाज प्रपोज बाय स्वीडिश नेचुरलिस्ट कैरोलस लिनियस. किए बाहर करते ना कैरोलस लिनियस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बाहर करते बट कैरोलस लिनियस किसी ऑर्गेनिज्म मानकर पॉलीनोमियल नोमेनक्लेचर बाहर कर दिले. फॉर दिस कंट्रीब्यूशन द फील्ड ऑफ नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. तो नोमेनक्लेचर रे आउ क्लासिफिकेशन रे इत्या सारा कंट्रीब्यूशन थिबारु कैरोलस लिनियस कर लिनियस रेफर टू एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. तो मुझे जदि क्वेश्चन आसे हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को और साइंटिफिक नेम को लिखिबा पई हेले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रे किछ रूल अछि. तो सिथु क्वेश्चन करा से व्हाट इज द रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. तो इंपोर्टेंट रूल को जदि पढ़िबा फर्स्ट रूल दैट इज ईच बायोलॉजिकल नेम कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट. ईच ऑर्गेनिज्म रो साइंटिफिक नेम रे दुईटा पार्ट प्रेजेंट थाए. वन इज जीनस और जेनेरिक नेम एंड सेकेंड स्पेसिफिक नेम और स्पेसिस और स्पेसिफिक एपिथेट. जमती कि तुम्हें एग्जाम्पल द जोलोजिकल नेम ऑफ टाइगर नहीं पार दैट इज पांथेरा टाइग्रिस. देन सेकेंड बटनिकल नोमेनक्लेचर जो नब बानियन ट्री दैट इज फाइकस बेगालेंसिस. तो फर्स्ट पॉइंट रे सी किछि एग्जांपल दे छी जेमती कि आमे ताकु लेखि पारिबा फाइकस बेगालेंसिस एंड पांथेरा टाइग्रिस. देन सेकंड पॉइंट दैट इज द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द जीनस इज इन ब्लैक कैपिटल. तो जदि देखिबो ताकु ब्लॉक कैपिटल लेटर रे लिखिबो व्हाइल दैट ऑफ द स्पेसिस इज स्मॉल एंड बोथ नेम्ड आर रिटेन इन इटाली. नमली जीनस नेम आउ स्पेसिस नेम जिते बारे लिखुचंती जीनस नेम रो स्टार्टिंग जमती कि मु कहि परबी मेंगो रो साइंटिफिक नेम मांगीफेरा इंडिका तले मांगीफेरा लिखुचंती कैपिटल एम लिखिबा बट इंडिका लिखला बेले स्मॉल आई लिखिबा. स्पेसिस नेम स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर एंड जीनस नेम स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर.
Then third point, that is there is a space between the generic and specific name. Generic name and specific name रे जो दुटा word अच्छी ता भीतर किछ space दरकार. The next rule कौन कहुची? When written with hand, the two names are underlined separately. जदि आमे hand written करचंती देन आमे कौन करिबा दुटा नेम रो तले अंडरलाइन करिबा आउ सेटा सेपरेटली बट इन प्रिंटेड मटेरियल द वर्ड आर रिटेन इन इटालिक रे लिखिबा जदि प्रिंटेड अछि देन इटालिक जदि हैंड रिटेन अछि अंडरलाइन सेपरेटली देन फिफ्थ पॉइंट कोन कहूची द साइंटिफिक नेम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन और लैटिनाइज irrespective of their origin from other language that is roman originate hichi roman ru but ame jo derived korchanti aur lekhuchanti taku italize latin jo taku kohuchanti but scientific derived from nese se kohuchi ki the name of the author who first described the species followed by the year of its description is mentioned after the specific epithet to first ame genus name lekhuchanti then species name then scientific name je ki first discover karichanti the author name may be mentioned in abbreviated form tame chahile taku abbreviated form jemti ki linnaeus that is lin Thus the scientific name of the human that is Homo sapiens, Lin, 1758. तो टोटल आम छा पॉइंट पढ़ले जो थे कि फास्ट कौच कि दुईटा पार्ट रही थे वन इज जीनस एंड अदर इज स्पेसीस सेकेंड पॉइंट कौच कि फास्ट लेटर स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर सेकेंड लेटर स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर देन थर्ड पॉइंट कौन कहुची दुईटा वार्ड मझेरे किछि स्पेस थिबो फोर्थ पॉइंट कौन कहुची ना जदि हैंड रिटेन अछि देन अंडरलाइन सेपरेटली जदि प्रिंटेड मटेरियल अछि देन इटालिक रे देन फिफ्थ पॉइंट कहुची कि जो साइंटिफिक नेम डिराइव फ्रॉम लैटिन बट ओरिजिनेट फ्रॉम रोमन लैंग्वेज देन लास्ट पॉइंट दैट इज ऑथर नेम आम स्पेसिफिक एपिथेट पर लिखा देन ताकु एब्रिविएटेड फॉर्म रे लिखि पारिबो जेमती कि लिनियस को लिन लिखा जाउछे देन आम टोटल रूल रे केतुरा साइंटिफिक नेम जानिले वन इज टाइगर पांथेरा टाइग्रिस सेकेंड वन इज बनियन ट्री दैट इज बेघालेन्सिस जोथे कि तुम देखिपर कि से लिखाई कि बेघालेन्सिस लिखाई कि स्मॉल लेटर एंड फाइकस लिखाई कौथे कैपिटल लेटर देन फोर्थ रे आम आउ गोटे नवा दैट इज ओराइजा साटिवा जोटा कि राइस रो साइंटिफिक नेम ओराइजा साटिवा देन थर्ड रे ऑलरेडी तुम बुक रे प्रेजेंट अच्छी दैट इज होमो सापिएंस जोटा कि ह्यूमन रो साइंटिफिक नेम देन फिफ्थ रे आम नवा मैंगो रो साइंटिफिक नेम दैट इज मैंगीफेरा इंडिका टोटल आम फाइव टा रो साइंटिफिक नेम जानिले वन इज पांथेरा टाइग्रिस देन फाइकस बेघालेन्सिस देन होमो सापिएंस देन मैंगीफेरा इंडिका देन ओराइजा साटिवा नेक्स्ट डे